अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जुबैर फारूक एक मतलब फिर से आपको मेरे चैनल के ऊपर वेलकम खुश आमदीद और जिया नो करता हूँ। शादी का बात की फूड से ट्रीट से एक और शाम बल्कि एक और रात। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे और अपने शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो हम आपको लेके आए लिबर्टी रोड, बेसिकली एक फास्ट फूड की चेन है, पॉइंट है, यहाँ पर क्या क्या मिलता है आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये चेक करें, द टीम वाज सो ग्रेट यार, ये सारे टीम वर्क कर रहे हैं और उम्दा किस्म का जो है ना वो फूड बना रहे हैं, मशरूफ है यहाँ पे, ये चेक करें। ओ माय गॉडनेस, सबसे पहले आपको आते ही जाओ जिंगल बर्गर मिल जाए, इसका मतलब जो आप सही जगह पे मौजूद हैं, ये चेक कर सकते हैं। स्पेशल मायोनीज के साथ उसके बाद जो है वो लेटस ऐड कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी स्पाइसी सॉस ऐड कर रहे हैं। पीसीज इसमें जो है ना फ्राई होते हुए आप देखें कितने कमाल के हैं जो कि इसमें ऐड किए जा रहे हैं। फ्ले जो होता है ना चिकन का फ्ले, वो खुद बनाते हैं, बेसिकली फ्रेश बनाते हैं और फ्रेश जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह, ओए होए 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 होए, ये चेक करें आप। अच्छा, जिंगर का पीस जो है ना वो पूरा कर दिया इन्होंने, मतलब डेढ़ डेढ़ पीस ऐड किया, ये एक चीज़ याद रखिएगा। और इसके ऊपर जो है ना अपना स्पेशल जो है ना स्पाइसी ऐड कर रहे हैं और लास्ट के दो ऊपर मायो ऐड कर रहे हैं ताकि जो है ना वो बर्गर की लेयर्स बन जाए। ये लें जी, ये पैन में रख दिए हैं, पैन के बाद ये जाएंगे दोबारा ओवन में, वहाँ पे जो है ना वो गर्म हो ही हॉट होंगे, उसके बाद निकाले जाएंगे। लास्ट में फ्राइज ऐड की जा रही है क्योंकि सिंगर कंप्लीट जो होते हैं वो फ्राइज के साथ ही होते हैं। ऑर्डर इज रेडी फॉर टेक अवे। बहुत ही उमदा किस्म का यहाँ पर कबाब जो है ना वो पराठा लगाया जा रहा है, जिसमें जो है ना वो कबाब का एडिशन कर दिया गया और उसके अलावा जो है ना स्पेशल किस्म की अपनी सॉसेज ऐड करते हैं और इसको जो है ना बेहतरीन किस्म का बनाते हैं, थोड़ी फ्राइज भी इसमें ऐड करेंगे, ये चेक करें। और लास्ट में जो है ना वो चिकन जो है ना उसको ऐड करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, तो ये वाला इसके जो है ना वो बहुत स्पेशल है। ओए 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 ओए, ये रही मायो स्पेशल सॉस, रेडी फॉर सर्व। फ्रेश किस्म के जिंगर के पीसीज यहाँ पर लगाए जाते हैं और आपको जो है ना वो सर्व किए जाते हैं। सेम प्रोसेस हैं जैसा कि हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड की चेन्स पे देख सकते हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ से निकालेंगे और डिप करेंगे इनको जो है ना वो डिप, वंस अगेन, वन टू थ्री, मतलब ये जो है ना फ्रेशनेस इनकी ताकि बरकरार रहे, ये चेक करें। माशाल्लाह, जिगर पीस जो फ्रेश किस्म में रेडी हो गए थे, अब जो है ना इनको फ्राई किया जा रहा है यहाँ पर बहुत ही कमाल का। ओए 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 ओए, खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है माशाल्लाह से, अब यकीन करें फ्रेशनेस इसकी बहुत जो है ना वो अखीर है। लिबर्टी रोड वाले आपको फ्राइज दे रहे हैं बहुत ही कमाल की, आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना वो फ्राइज अभी प्रोसेस होने के लिए जा रही है। अच्छा जी, लिबर्टी रोड मेरे सामने मौजूद है, यहाँ पे इनके सीटिंग है बैठने के लिए, आप ओपन वैसे बैठ सकते हैं, गेट टुगेदर छोटी सी कर सकते हैं। बेसिकली ये यहाँ पर गली नंबर 6 में है, तो ये शिफ्ट हो रहा है गली नंबर 4 में, मदर फीस पुनी गली नंबर 4-7 का बात। यहाँ पर आप आएंगे, आपको लिबर्टी रोड के नाम से ये मिलेगा एक फूड सेटअप, यहाँ पर आपके उमदा किस्म के बर्गर्स, पिज्जाज, उसके अलावा जो है ना फ्राइज और हर चीज़ जो है वो ट्राई कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो फूड का हिडन जेम्स हमें एक मतलब फिर से मिला है, मेरा ख्याल है कि यही बहुत बड़ी बात है। ये भाई ने फ्राइज को फिर देख लिया एक मरतबा और ये चेक करें, फ्राइज को जो है शेक कर रहे हैं ताकि ऑयल जो है ना वो सारा निकल जाए और उम्दा किस्म का जो है ना वो फ्राइज बड़ी रेडी हो जाए, ये चेक करें आप। क्या अखीर किस्म का कदर है फ्राइज का, होए 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 होए, ऐसे जो है ना वो बिल्कुल अकड़ी हुई फ्राइज है कि बंदे को चासी आ जाए स्नैक्स की तरह, ये चेक करें आप। माशाल्लाह, बहुत ही कमाल का कलर है, ये आपको मिलेगी अनराइप वाली और ये जो है ना वो पकी हुई। अभी आपको दिखाने वाले हैं लिबर्टी रोड का पिज्जा जो कि इस वक्त फ्रेश रेडी होने वाला है, ये चेक करें स्मॉल पिज्जा इनका, तो स्पेशल किस्म की सॉसेज के साथ अभी ये तैयार होगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये चेक करें जी आप माशाल्लाह। असल में बात सारी डो की होती है, मेरा ख्याल है कि कोई भी
पिज़्ज़ा मेकर है वो इस बात से मुतफिक करेगा, क्योंकि जहाँ पर आपकी डो अच्छी है, अगर डो अच्छी है तो नरम है, थोड़ी सॉफ्ट है, जूसी टाइप है, तो इसका मतलब ये है कि आप कामयाब हैं। लीजिए ये चिकन जो है ना इन्होंने ऊपर लगा दिया, और अब जो है ना इसके ऊपर थोड़ा फ्लेवर्स वगैरह ऐड करेंगे। चीज़ का एडिशन किया जा रहा है, चीज़ जो कि बहुत ही नेसेसरी होती है पिज़्ज़े के लिए, उसके लिए चीज़ का एडिशन किया जा रहा है माशाल्लाह से। ये ब्राउन था ओवन जिसमें इन्होंने जो है ना वो पिज़्ज़ा बेक होने पे दे रख दिया। चेक करें जी फाइनल लुक इसकी कितनी कमाल की है, और उम्दा किस्म का पिज़्ज़ा जो है ना वो कट के लिए तैयार है। इसके पीस चार हो गए हैं, पता नहीं वो खा भी सकते हैं कि नहीं, लेकिन चलें ये भी बहुत है माशाल्लाह जी। फाइनल लुक ले लें इसकी, कॉर्न के साथ पिज़्ज़ा हैवी हो गया जी, बहुत आला। ये देखें जी ये पिज़्ज़ा आपका जो है ना वो रेडी हो चुका है, और ये रेडी है जी ऑर्डर टेक अवे करने के लिए। अच्छा जो जिगर पीसीस जो है ना वो हमारे फ्रायर में गए थे वो बाहर आ चुके हैं, अब ये चेक करें कितने कमाल के हैं, इनका कलर ले लें, इनकी लुक ले लें माशाल्लाह से, बहुत ही हैवी किस्म की लुक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे खुशबू भी कमाल की आ रही है, यकीन करें बड़ी सोबर इसकी खुशबू आ रही है, और मेरा कहना है इसको टेस्ट करना चाहिए। मैं इसको जस्ट ओए बड़े हैवी गर्म है, ये चेक करें आप, ये देखें क्या बात है जी, बहुत आला माशाल्लाह। शवारमा जो है वहाँ पे लगाए जा रहे हैं बहुत ही उम्दा किस्म के ब्राउन ब्रेड के साथ। अच्छा इनका चिकन जो है ना वो वाइट है, चिकन जो है ना इनका वाइट है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है इसका क्या लॉजिक है। चिकन वाइट है क्योंकि बेसिकली जो है ना वो हमने जहाँ भी देखा है वो चिकन वो रेड कलर का होता है, यहाँ पे वाइट है। आप ये चेक करें साथ में जो है ना वो पिकल का एडिशन किया जा रहा है, ये देखें जी बिस्मिल्लाह। चिकन के साथ शवारमे का जो है ना वो पुराना रिश्ता है उसकी ब्रेड का और साथ में सॉस का, ओए होए 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 यार अखीर हो गया माशाल्लाह, ये चेक करें। शवारमा हो या जिंगर पराठा हो इट्स लुकिंग अमेजिंग, सिंगल पीसीज को उनकी जो है ना वो मुकाम पे पहुंचा दिया गया, आप ये चेक कर सकते हैं। शवारमे पे जानदार किस्म का चिकन ऐड कर शवारमे को जानदार बनाया जाता है, और लास्ट में जो है ना वो सॉस ऐड की जाती है। बेसिकली शवारमा जो है कॉम्बो होता है सॉस का और चिकन का, वही इनका काम है, और यही आपका काम है कि आप यहाँ पर आए और आके इस चिकन को, इस जालम किस्म के चिकन को इस सॉस के साथ इंजॉय करें। अच्छा यार ये बच्चे काफी देर से यहाँ पर जो है ना वो इंजॉय कर रहे हैं और खेल रहे हैं, मुझे तंग भी कर रहे हैं साथ साथ। इधर आओ ना, बात सुनो, इधर आओ, ओ इधर तो आओ। अच्छा इधर आओ, क्या नाम है आपका, नाम बताओ, क्या नाम है आपका? हारिस। हारिस क्या, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। अच्छा हारिस मुझे ये बताओ कि यहाँ पे बर्गर वगैरह खाते होते हो? हाँ जी। कैसा टेस्ट है इनका? मजे का है। मजे का है? हाँ जी। क्या चीज ज्यादा पसंद है आपको, सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या बनाते हैं ये? बर्गर। बर्गर? हाँ जी। बर्गर सबसे अच्छा बनाते हैं? हाँ जी। आप बताओ क्या अच्छा बनाते हैं? पिज्जा। आपको पिज्जा ज्यादा पसंद है? कौन सा पिज्जा, जो चीज ज्यादा आती है वो चिकन वाला, कौन सा चीज वाला? हाय 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 हाय। आपको क्या पसंद है? पराठा। पराठा पसंद है, वो तो यहाँ से मिलता ही नहीं है। अच्छा ये ना शर्मा रहे हैं बच्चे माशाल्लाह, तो जी बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा उमर मुझे ये बताएं कि आपका ये सेटअप लिबर्टी रोड कब से यहाँ पे मौजूद है? सर इसको तकरीबन हो गए हैं 1 से 1.5 साल, 1.5 साल तकरीबन हो गया जी। सबसे जो है ना वो आपकी रिपीट जो होती है मोर जो है ना एवर टाइम्स, वो कौन सी डिश है? सर हमारे पास ज्यादातर जो यहाँ पर चाहिए ना ये शवारमा है या पिज्जा है। आपका जो है ना वो अब इस दोनों में से रैंक करना है, टॉप पे क्या आता है, यानी अगर कोई बंदा ये वीडियो देख के यहाँ पे पहुंचता है आपके पास भी मजफी कुनी में या आपके शिमला पॉइंट वाले पॉइंट पे, तो वो क्या ट्राई करे, पिज्जा बर्गर या शवारमा? सर वो पिज्जा। पिज्जा ट्राई करें जी। मतलब आप मानते हैं कि पिज्जे में आप साजिकाबाद में काफी लोगों से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह। ये डो जो बनाता है, डो कौन बनाता है आप? सर डो हमारे पास है, हमने कारीगर रखे हुए हैं, भाई है हमारे साथ जो हम अभी डिलीवरी देने गए हुए हैं, तो वही होते हैं ज्यादातर, तो हम वैसे हमें भी काम आता है लेकिन ज्यादातर वही करते हैं। स्पेशल रेसिपी है कोई उसकी? जी 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 जी, स्पेशल रेसिपी है जी जी जी। मैं देख रहा था कि माशाल्लाह आपके यहाँ पे अच्छा काम चल रहा है और काफी अच्छा फीडबैक है, लोग ना काफी पसंद करते हैं आपके काम को, खास शायद मोहल्ला है इस वजह से, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा है, ऐसा ही है
बस सर ये लोगों की मोहब्बत है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच उमेर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, ये इन्हें ग्रैंड सिंगर कहा जाता है। ग्रैंड सिंगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है पीस की मकदार वो ज़्यादा होती है। लाइक अगर आप नॉर्मली एक जो है ना वो फ्ले यूज़ कर रहे होते हैं चिकन का, तो यहाँ पर जो है ना वो आपको डेढ़ फ्ले के साथ जो है ना चिकन सर्व किया जा रहा होता है, तो ये इस वजह से इसको ग्रैंड सिंगर कहा जाता है। कहीं पे इसको डबल डेकर जिंगर नाम दिया जाता है, कहीं पे डबल फ्लेयर नाम दिया जाता है, यहाँ पर ग्रैंड जिंगर। तो ग्रैंड फिनाले के बाद ग्रैंड जिंगर हाजिर है आपकी खिदमत पे, विद यूनिक सॉसेस एंड स्पेशल किस्म के स्पाइसेस के साथ। डबल स्कूप आइसक्रीम ऑन अ वन कोन यहाँ पर जो है ना वो लगाई जा रही है, आप ये चेक करें। बेशक की तरह आइसक्रीम जो है ना वो हमारी फेवरेट रही है, और इस वक्त जो है ना वो ब्राउनी हो, चाहे वो जो है ना चॉको चिप हो, चाहे स्ट्रॉबेरी हो, चाहे वनीला या बनाना हो, तो यहाँ पर जो है ना उमदा किस्म की आपको चॉकलेट सर्व की जाती है। ओए। इसकी थोड़ी पैकिंग भी मुश्किल होती है, लेकिन हो जाती है अल्टीमेटली ना, ये चेक करें आप। ऊप जो है ना वो बाहर निकल के जैसे गिर नहीं रहे होते, वैसे गिर रहे हैं। वाह।